अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। तो जैसे कि आते ही हम यहाँ पर अनपैक करने लगे हैं, क्योंकि हमें स्टोव चाहिए था नाश्ता बनाने के लिए। मम्मी 3 दिन से वेट कर रहे थे कि कब अब्बू आए तो न्यू स्टोव लगाऊंगी। तो जैसे ही अब्बू स्टोव लेकर आए तो मम्मी बोले कि अभी ही अनपैक कर दो, मैं नाश्ता इसी पे बनाती हूँ। तो कुछ सामान अनपैक किया जा रहा है। जमा के हम्मत का खिलौना। अरे सिंगामा खुले था अंदर, मैं पे क्या करूं? रुखैया को समझ नहीं आ रहा कौन सी पन्नी लूं, क्या लूं, क्या खा लूं, किससे खेल लूं। हाँ ओई, नहीं समझ नहीं आ रहा। नहीं दही ब्लिंकिट सा ऐसे खाली चूल्हा कहीं खुला हुआ, पूरा अंदर जमा दिया बैठना। हाँ वही जगह खाली नहीं जाना। पैकिंग ना अरे दबा के बस। हाँ पैकिंग छोटी दिख रही थी। आका हट रहे हैं वहाँ से, क्या था? हम भी सुट के दागलते हैं। हेलो, हम भी सुट के दागलते हैं। हेलो गाइस, अब हम सो जाते हैं थोड़ी देर, क्योंकि मुझे मॉर्निंग ऑनलाइन क्लास है तो मुझे 9 बजे तक उठना है। आई स्लीप फॉर एन आवर और 2 आवर्स, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। सो ये था स्टोव जो अब्बू हमारे लिए लेकर आए थे, क्योंकि मम्मी को इंडियन स्टोव उतने सूटेबल नहीं होते जितने दुबई के होते। तो मम्मी हमेशा ख्वाहिश करते हैं कि मुझे बाहर से स्टोव लेकर आओ। तो इस टाइम फाइनली बाहर का स्टोव आ गया था और अम्मी नाश्ता बना रहे हैं। मरियम की डॉल, ये डॉल देखिए लग रही है बिल्कुल भी रियल बेबी की तरह ना। ये है डॉल मरियम की, और इसको जब मैं लेती हूँ तो सच में रियल बेबी की फीलिंग आ रही है। सो इतने सारे व्लॉग्स देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम्मत को मॉन्स्टर ट्रक्स का या कार्स का कितना ज़्यादा क्रेज है। तो ही इज़ द हैप्पीएस्ट बेबी इन द वर्ल्ड। लाइक मॉन्स्टर ट्रक आ गई तो उसकी दुनिया ही बदल गई थी, किसी को नहीं दे रहा था वो, किसी से शेयर नहीं कर रहा था। सो ये है रुखैया का कैमल जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है, लेकिन अभी फ़िलहाल रुखैया इसे नहीं खेल रहे तो हम इसको उठाकर रख दिए थे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा तो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। मेरे नानी के टाइम से हमेशा जब भी बाहर से कोई आता है तो फूल पहनाते हैं, तो वही हमारे जो मामी हैं वो फुलफ़िल कर रहे थे रिचुअल। अभी नानी नहीं है तो बेशक हम वो कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह हमेशा। फिर
ये हो रहा है कुछ शाम का वक्त, जो दूसरे बैग्स है वो हम यहाँ पर अनपैक कर रहे हैं। सॉरी फॉर द कन्वीनियंस, मैं यहाँ पर आप सबको पूरा शेयर नहीं कर सकती हूँ बिकॉज देर आर सम पर्सनल रीजंस। तो ये मत कहना कि आप सब कुछ नहीं शेयर कर रही हूँ, जितना भी मैं हो सकता है वो आप सबसे शेयर कर रही हूँ। फर्स्टली ये बैग में जो फर्स्ट कवर निकला है उसके अंदर है बेबीज़ के ड्रेसेस। अब ये बेबीज़ के ड्रेसेस क्यों है, किस लिए है, किसके लिए है, ये हम आपको आगे व्लॉग्स में बताएंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स जो कि बहुत जल्दी आने वाले हैं इंशाल्लाह। और कुछ और सामान लाइक चॉकलेट्स हो गए और क्रीम्स हो गए, ऑयल्स हो गए, जो भी ड्राई फ्रूट्स है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है जो हमें बाहर से चाहिए था, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। लाइक मैं कुछ कुछ शॉर्ट्स आपसे शेयर करने लगी हूँ, तो माशाल्लाह बोलना बिल्कुल ना भूले। सो नेक्स्ट ये है टूथ ब्रश और टॉय हमद के लिए चॉकलेट, जो कि लाइक ज़रूरी है। उसके बाद तो दूसरे दिन हो गया था, हम सब लोग रेस्ट करने लगे, फिर उसके बाद मैं उठ के काम करने लगी। रात के टाइम पे हम लोग जा रहे हैं आइस मैजिक आइसक्रीम खाने के लिए, लेकिन अब्बू हमारे साथ नहीं जा रहे, हम बच्चों के साथ जा रहे थे आइस मैजिक। क्या है? ट्रैफिक जैम। सब बच्चा पार्टी लाइक मरियम, हम्मा, जैद, रुखैया, जहरा और मेरे भाभी हो गए, बड़ी बहन हो गए, भाई हो गए, सब हम लोग गए थे। तो लाइक बहुत ज़्यादा मैं सब था तो मैं व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, जितना हो सकता था उतना शूट करी। हमने खाए बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज़, आइसक्रीम, हॉट चॉकलेट जो कि मेरा और जहरा का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी काम करके, इसीलिए मुझे लेकर गए थे आइस मैजिक बच्चों के साथ। और ये वक्त आ गया है जाने का, और इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आया हो, तो इस व्लॉग को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।